उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर ने सभी को दहला कर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के नजदीक हुई इस हत्या मामले में लखनऊ पुलिस ने रेलवे के सीनियर अधिकारी की नाबालिग बेटी को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने पूछताछ में कबूल किया कि वो एक जापानी नॉवेल ह्यूमन डिस्क्वालिफिकेशन से प्रेरित थी। इस नॉवेल के लेखक ने इसकी शुरुआत खाने वाले जैम से लिखकर की थी। रेलवे अधिकारी की बेटी ने भी अपनी माँ और भाई को मारने से पहले बाथरूम के शीशे पर जैम से डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा था। बाथरूम में लगे इसी शीशे से लखनऊ पुलिस ने डबल मर्डर की मिस्ट्री सुलझाई थी। माँ और भाई को गोली मारने के बाद इस शीशे पर भी गोली चलाई थी। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के मुताबिक नाबालिग डिप्रेशन की मरीज है। ऐसा लगता है डिप्रेशन के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने हाथ पर भी रेजर से कई घाव किए हैं। पुलिस ने रेजर को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने जब नाबालिग बच्ची को उसके नाना नानी की मौजूदगी में पूछताछ को बुलाया तब उसने अपने दोनों हाथ जींस की जेब में डाले हुए थे। जांच टीम ने उसे हाथ निकालने को कहा तो एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि ह्यूमन डिस्क्वालिफिकेशन या नो लॉन्गर ह्यूमन नॉवल 1948 में आई थी। जापानी लेखक ओसामु दजाई ने यह नॉवल लिखी थी। इसे जापान की ऑल टाइम सेकेंड बेस्ट सेलर नॉवल माना जाता है। लड़की के कमरे की दीवार पर एक रोती हुई इमोजी भी बनी हुई है। स्माइली की आंखों से लाल रंग का आंसू निकलता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को अपने किए पर कोई दुख नहीं है। उसने कहा कि उसे कोई प्यार नहीं करता था। लड़की ने अपने हाथों में रेजर से काटकर गॉड लिखा है। पुलिस से जब पूछताछ में इस बारे में पूछा तो उसने कहा, कौन सी बड़ी बात है, यह नॉर्मल है। मैंने पढ़ा है कि रोज 1.5 मिलियन लोग अपना हाथ काट लेते हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।